हाय दोस्तों, तो आज हम करेंगे व्याकरण शब्दावली। तुम्हारा फर्स्ट है भाषा। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरे से कह सकते हैं और उसकी बात जान सकते हैं। तुम्हारा सेकंड है लिपि। लिपि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। तुम्हारा थर्ड है व्याकरण। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तुम्हारा फोर्थ है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तुम्हारा फिफ्थ है वर्णमाला। वर्णमाला निश्चित क्रम में आए सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तुम्हारा सिक्स्थ है स्वर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ से आहा तक। तुम्हारा सेवन्थ है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे कैसे है तक। हमारा अर्थ है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अक्षय जैसे अक्षय, त्रिय और ज्ञानी। हमारा नाइन्थ है मात्रा। मात्रा व्यंजन के साथ स्वर मिलाते समय जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और री ऋषि की मात्रा। तुम्हारा टेंथ है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर जब किसी व्यंजन से स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन के साथ जोड़ा दिया जाता है तो संयुक्त अक्षर बनता है। अगर आपको और कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इनमें कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।